नमस्कार डॉक्टर विनेश श्रीवास्तव, स्लोवेनिया से प्राकृतिक गुफाओं के अंतिम चरण में हम लोग आ चुके हैं और ये आठवें नंबर की गुफा जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं। अद्भुत, कल्पनीय और अविश्वसनीय, ये तीन शब्द हैं जो इन गुफाओं के बारे में अक्षरक्षः सत्य साबित हो रहे हैं। जितने दृष्टिकोण यहाँ पर देखे जाएँ, हर दृष्टिकोण से कोई नई गाथा, कोई नई कहानी इन गुफाओं की मूर्तियों और पत्थरों से निकल करके सामने आ रही है। विश्व के जितने भी धर्म हैं और जितनी भी जातक कथाएं और जितनी भी आध्यात्मिक कथाएं हैं, वो सारी कथाएं इन गुफाओं के ऊपर सत्य साबित हो रही है। गाइड हमें बराबर निकलने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पर्यटक यहाँ से जाना नहीं चाहता है। हर दृश्य को अपने कैमरे में, अपने वीडियो कैमरे में हमेशा के लिए संजो लेना चाहता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा तो मैंने नहीं की है, लेकिन अक्सर फिल्मों में कैलाश मानसरोवर के दृश्य देखे हैं। अगर कैलाश मानसरोवर के दृश्य को कल्पना में जिया जाए तो यहाँ आकर ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कैलाश मानसरोवर नाम का कोई नगर बसा है और उनमें विभिन्न देवी देवताएं, यक्ष यक्षिणियाँ और नाना प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर जीवंत हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऋषि मुनि, जटाजूटधारी ऋषि मुनि तपस्या कर रहा है और उसके ऊपर बर्फ जम गई है। मुझे कई बार यहाँ पर शंकर पार्वती के दृश्य भी दिखाई पड़े जो अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, अकल्पनीय हैं। कई मूर्तियों में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के चित्र यहाँ पर दिखाई पड़े। ऐसा लगता है जैसे सारा विश्व यहाँ आकर एक हो गया है। वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना यहाँ सजीव होती प्रतीत हो रही है। विश्व के सारे धर्म, सारी गाथाएं, सारी कल्पनाएं यहाँ आकर सिर्फ उस अंतिम सत्य की ओर इशारा कर रही हैं जो सर्वशक्तिमान है, सर्वोपरि है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, आनंदित करने वाला है। वो सत्यम है, वो शिवम है, वो सुंदरम भी है। हमारा काफिला गुफाओं के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पिरामिड है और कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये बौद्ध स्तूप है। बीच बीच में लाइट अचानक जाती है, लेकिन वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ध्वनि और प्रकाश का जो समन्वय इन गुफाओं में किया गया है वह परिवर्तित हो जाए और दर्शकों को दूसरे एंगल से ये गुफा दिखाई पड़ जाए। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फीली गुफाओं में संत महात्मा बर्फ में जम चुके हैं, जीव जंतु बर्फ में जम चुके हैं और मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहे हैं। Okay.
यहाँ पर स्पेनिश और चाइनीज ग्रुप बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। दुनिया में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, सर्वाधिक बोलने वालों की संख्या चाइनीज़ और स्पेनिश है। अंग्रेजी का क्रम दूसरा और स्पेनिश का क्रम तीसरा। और यहाँ चारों तरफ हमें स्पेनिश और चाइनीज़ भाषा के बोलने वाले ज़्यादा दिखलाई पड़ रहे हैं। ये कोई फिल्म नहीं चल रही है, ये पर्दे पर कोई दृश्य नहीं आ रहा है, ये इस रेलिंग के उस पार पहाड़ों को काटकर या स्वाभाविक रूप से बनाई गई गुफाएं हैं जो आज अपने अलौकिक रूप में यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। जो लोग इस दृश्य से वंचित रहेंगे वे दुनिया को अभी समझना चाहेंगे। मेरे इतिहास के विद्यार्थियों के लिए इसे लाइव और जीवंत देखने का अवसर मिल सके, ऐसी मेरी कोशिश है और यही मेरा प्रयास है। बीच बीच में से इन चट्टानों के बीच में बारिश का पानी या मौसम से ठंडर पाकर बर्फ के रूप में पिघलता हुआ पानी बूंदों के रूप में गिरता है और आसपास ज़मीन के भीतर समा जाता है। यहाँ काफ़ी ठंड है इस वक्त, लगभग 2 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त, और शिवरिंग वाली ठंड, कपकपाने वाली ठंड ज़मीन से कई सौ मीटर भीतर लगभग पाताल तोड़ने वाली ये गुफाएं, ज़मीन को भेद कर ये गुफाएं निर्मित की गई हैं। और सबसे आश्चर्यजनक चीज़ ये है कि इन गुफाओं में चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल स्लिपरी स्ट्रीट्स का निर्माण किया गया है और दोनों तरफ मजबूत रेलिंग है जिससे किसी भी प्रकार का कोई खतरा पर्यटकों को नहीं है। मैं आपको ये दृश्य बार बार दिखलाऊंगा, लेकिन अभी इस गुफा की समाप्ति के साथ ही मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। यह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस यात्रा के और दृश्य देखने के लिए हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड टूरिज़्म को आप सब्सक्राइब कीजिए, हिस्टोरिकल वर्ल्ड टूरिज़्म को सब्सक्राइब कीजिए। आपको एक से बढ़कर एक दृश्य मैं इन वीडियो के माध्यम से दिखलाता रहूँगा। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव स्लोवेनिया की इन अद्भुत अकल्पनीय और प्राकृतिक गुफाओं से आपसे कुछ क्षणों के लिए विदा ले रहा हूँ।